बंदे आ रे बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ। My name is Krishna Chetri and I'm from Nagaland and this time हम अभी गोवा में है और ये थोड़ा डिसेबिलिटी और शुद्ध हम ऐसे सोशल वर्क एज हम ऐसे प्रोग्राम करते चल रहे हैं और सच में मैं अपने पहले मैं अपने बात में बताता हूँ कि गोवा का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, स्पेशली हमको यहाँ का पब्लिक से बहुत प्यार मिल रहा है। सब एक एक बंदा यहाँ का गोवन पब्लिक और सब लोग टूरिस्ट भी बहुत प्यार कर रहे हैं और गोवा का पुलिस प्रशासन जो है वो भी हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम लोगों को देखकर ऐसा डिसेबिलिटी देखकर हमारा टैलेंट जो है। और थैंक यू मैं गोवा पुलिस को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसमें आया हुआ लगभग मैं 2 महीना हो गया, मैं 1 वीक के लिए, मैं 1 हफ्ता के लिए आया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ का पब्लिक लोग बहुत साथ दे रहा है और यहाँ का मेन पुलिस प्रशासन भी हमको प्रोग्राम में अरे बेचारा ऐसा है तो देखकर भी हमको छोड़ दे रहा है ना, कि जो कि अब इसमें तो इलीगल जैसा भी होता है, इलीगल तो ऐसा तो नहीं बेचारे, फिर भी कोई कोई जगह में क्या होता है कि पुलिस लोग आकर हमको उठा देता है, मगर यहाँ पे क्या यहाँ का पुलिस लोग हम लोग को देखकर ये हेल्प टू डिसेबल एक अपांगता जो देखकर हमको जो सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं बहुत, इसलिए हम यहीं पर ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगा और म्यूजिक को बहुत फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर मैं नागालैंड जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा पर्सनल कॉन्सर्ट प्रोग्राम है और उसके बाद वो खत्म करके फिर मैं 1-2 महीने के लिए फिर आऊंगा और फिर दूसरा स्टेट घूमने के लिए जाऊंगा। सर आपका प्रोफेशन क्या है? सर मेरा ऐसा है, अब देखो मेरा एक पैर ऐसा है ना, तो मैं दूसरा जॉब को अब चाह कर भी मैं करना चाहूँ, पढ़ा लिखा भी उतना नहीं हूँ, अब 5-7-8 इतना बड़ा हूँ, अपना बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने क्या किया कि अपना ये एक स्पीकर मैंने मोबाइल में देखा तो ये करने से भी 1-2 पैसा सपोर्ट भी होता है ना, आदमी लोग देखा, अंकल भी सपोर्ट करके, तो क्या होता है कि मैं दूसरा काम कर नहीं सकता, ये गाना गाता हूँ तो मेरा प्रोफेशनल यही बन गया है। सर मैं इसी से रोटी अपना 2 वक्त का रोटी तोड़ रहा हूँ या आप लोगों का प्यार से रोटी तोड़ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को यही से। ये आइडिया वही तो सर मेरे को देखो कि गाना हर कोई इंसान गाता है, हर कोई एक एक करके इंसान गाना गाता है, तो क्या होता है कि स्ट्रीट में अभी आदमी लोग को शर्म आती है कि भाई स्ट्रीट में प्रोग्राम करने के लिए उनको लाज लगता है ना, तो मैंने क्या किया कि भाई जहाँ भी गाना 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 ही है तो मैंने ट्राई किया, जैसे थैंक यू सर थैंक यू एंड मैं ट्राई करता हूँ बोल के मैंने एक बार ट्राई किया तो क्या हुआ, सब लोग को ये यूनिक लगा और सब लोग मेरे को प्यार करने लगे और ऐसे जो आप लोग मीडिया तो जो हमारे लिए तो ऑक्सीजन हो, आप लोग तो एक बराबर ऑक्सीजन हो, तो उसको क्या किया कि बूस्ट हो गया, तो सब लोग मेरे को और मैंने कमेंट देखा कि बाप रे इतना तू मेरे को क्या कि मैंने एक बार के लिए ट्राई किया था, अगर हुआ तो इट्स ओके, नहीं हुआ तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज कल करते 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 तो मेरा तो 1.5-2 साल हो गया ये प्रोग्राम करते करते मेरा अच्छा, तो सच बोलूं तो मैं शादी भी इसी से किया, मेरा देखो हम जैसे विकलांग के साथ शादी कौन करेगा है कि नहीं, तो क्या हुआ कि जब मैं फेमस होते गया तो ससुराल वाले भी मैंने क्या कि बड़े तो कलाकार है, बड़े वो भी गरीब है, हम भी गरीब, सब गरीब है, मगर फिर भी हम लोग को सबको रोटी भी दी बेटी भी दी, तो क्या हुआ कि मुझको ये अच्छा लगा, तो मेरे तो वैसे आइडिया आया विदेश का देखकर सर। ये आपके हमारे दर्शकों को आप एक अपना फेवरेट गाना गा सकते हैं? हाँ सर क्यों नहीं, हम रहे आना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, खुश नसीबी हम रहे आना रहे याद आएंगे ये पल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप मेरा फेवरेट सिंगर तो सर सभी एक ही है, मगर के साहब, के सर का वो जो है के सर इस दुनिया में नहीं है, मैं याद करता हूँ मेरे सर का और उनका ब्लेसिंग हमारे आशीर्वाद लगे कि उनका गाना मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत बहुत अच्छा लगता है, मगर सिंगर सभी अच्छे हैं मगर के सर थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा बहुत अच्छा लगता है हमको के सर। वाह वाह कितना अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इतना अच्छा क्वेश्चन कि मेरा कहना क्या है कि साहब जैसे कि आदमी लोग डिसेबल होके भी है ना
कुछ कर सकते हैं, जैसे कि किसी का हाथ पांव में वो सब है, एक बच्चा पकड़ा और उसको लेकर भीख मांग रहे हैं, है ना। हमारा हिंदुस्तान भीख मांगने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राशन कार्ड सरकार दे रहा है, स्कूल है तो कर सकते हो, क्योंकि उनका आदत पड़ गया काम नहीं करने की। क्यों? मैं उनको क्या कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो। देखो हम एक पैर में खड़े होकर ऐसे मनोरंजन दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आदमी को अच्छा लग रहा है, 10-5 रुपए वो हेल्प कर रहा है अपने तरीके से, फिर भी जिंदगी चल रहा है ना। तो ऊपर वाले ने हम लोगों को ऐसे हाथ फैलाने के लिए ना भाई मेहनत करने के लिए दिया है। और मैं क्या कहता हूँ, कोई बेचारा डिसेबल भी नहीं होते हैं, है ना, जिसका दिल टूटा होता है, कुछ किसी का मस्तिष्क से होता है ना। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि भाई हिम्मत नहीं हारने का। जैसे आप लोग हमको देखो, इस मीडिया के द्वारा देखो, हम एक पैसे खड़े, हम गाना गा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जी रहे हैं, तो हमको भी कितना टेंशन था, मगर हम टेंशन हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम जीना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन मत लियो, टेंशन मत करो, जिंदगी जियो, मस्त रहो, खुश रहो। खुश होने के लिए पैसा नहीं लगता, आप फ्री में खुश हो सकते हो। और आप हमको देखकर आप जियो जिंदगी की, भाई जिंदगी क्या है बोल के।